नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 phos 6 x पोटेंसी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे दोस्तों इस मेडिसिन के बारे में जानने के लिए कि आखिर ये मेडिसिन क्या है, इसको हम किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, कितनी डोजेज में ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या बुज़ुर्ग ले सकते हैं, एडल्ट ले सकते हैं कि नहीं। तो आज मैं इस मेडिसिन के बारे में दोस्तों आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कि आखिर इस मेडिसिन में क्या क्या कंटेंट पड़ा है, किन किन सिचुएशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए या एडल्ट्स के लिए जिनको भी लेना है तो उनकी डोजेस क्या होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों 5 phos के बारे में बात करना। 5 phos 6 x पोटेंसी में, ये देखें दोस्तों इतनी बड़ी बॉटल आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसकी छोटी बॉटल्स आती हैं और मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, आप उनको लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के बारे में, देन हम ब्रांड्स और डोजेस इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों 5 phos एक जनरलाइज टॉनिक है। जनरलाइज टॉनिक आप बोल सकते हैं जिस किस को बोलेंगे, जनरलाइज टॉनिक मीन्स आपके शरीर के मैक्सिमम एरिया को कवर करने वाली परेशानी के लिए ये यूज़ होती है। दोस्तों आप अगर बहुत ज़्यादा मेंटल या फिजिकल वर्क करते हैं, सपोज़ जैसे आप बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग मैन हैं और आपको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा एग्जॉशन वाला काम करना पड़ता है और घर आते आते आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत टायर्ड फील करते हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी क्योंकि ये आपके नर्व को स्टिमुलेट करके रखती है, उसको एक्टिवेशन के लिए, ताकि आप एनर्जी फील कर सकें। एनर्जी आपको चाहे मेंटली चाहे फिजिकली हर तरह से ये प्रोवाइड करेगी। और ये क्योंकि इसमें जो कैलिफॉस पड़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था कैलिफॉस एज ए ब्रेन टॉनिक वर्क करती है, तो आपके ब्रेन को लाइक अगर आप में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आप चीज़ें बहुत जल्दी भूलने लगते हैं, तो कैलिफॉस बहुत अच्छी काम करती है। इवन एनजाइटी के केस में भी कैलिफॉस बहुत अच्छी काम करती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज में बहुत अच्छी काम करती है। तो अगर ब्रेन रिलेटेड आपको कोई इशू है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हैं, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। दोस्तों ये आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आपको जैसे मेटाबॉलिज्म लाइक आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है, आपको भूख प्रॉपरली नहीं लगती है, आपको पेट भरा भरा सा फूला फूला सा लगता है, तो भी ये बहुत अच्छी काम करती है इन चीज़ों पे, क्योंकि ये आपके एपेटाइट को भी इम्प्रूव करती है। आप इसको लेना शुरू करें, आपकी भूख को भी ये इम्प्रूव करेगी, आपको डलनेस नहीं लगने देगी। फिर अगर मैं इसके नेक्स्ट क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपकी हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हेयर फॉल का आप मेरा वीडियो शायद आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें एक कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बताया है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर आपको है और उसके वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, न्यूट्रिशनल में कैसा, जैसे सपोज आपको एनीमिया हुआ है, एनीमिया मीन्स आपके बॉडी में आयरन कम है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन है, तो उसके वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो भी ये मेडिसिन, क्योंकि इसमें फेरम फॉस 6 x पोटेंसी में पड़ी हुई है, फेरम बहुत ही अच्छी काम करती है आपके आयरन को इम्प्रूव करने में, आपके हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में और एनीमिया को इम्प्रूव करने में। तो आपकी एनीमिया अगर ट्रबल है, उसकी वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करने में आपको मदद करेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर जैसे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा डलनेस है, लाइक आपको डलनेस हाथ पैरों में बहुत, कभी कभी आप जैसे ऑफिस से आते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इवन हाथ पैरों में दर्द भी लगने लगता है, आपके जो बोन्स हैं आपको जैसे लग रहा है उनमें ताकत नहीं रह गई है, तो भी ये बहुत अच्छी काम करती है क्योंकि इसमें कैल्केरिया फॉस पड़ी है। आप मोस्टली लोग जानते हैं कि कैल्केरिया फॉस हमारे बोन्स पे बहुत अच्छी काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ओरल कोई सप्लीमेंट दे रही है कैल्शियम का, बल्कि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है। दोस्तों मीन्स आप जो फूड कंटेंट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उससे आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने के लिए, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कैल्केरिया फॉस बहुत ज़्यादा फुल है। इवन बच्चों के लिए भी सेम चीज़ है, बच्चे ग्रोइंग एज के बच्चों में बहुत जल्दी कैल्शियम डेफिशिएंट होने लगते हैं वो, तो उनको भी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत जल्दी थक जाता है बच्चा, बोलता है पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी बोन्स में इतनी स्ट्रेंथिंग नहीं है, उनकी बोन इतनी मजबूत नहीं है, तो थोड़ा सा भी खेलने दौड़ने के वजह से उनकी बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगते हैं।
तो ये भी इस चीज़ के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करती है। साथ ही इसमें मैकफॉस भी पड़ी हुई है। मैकफॉस दोस्तों सपोज थोड़ा सा बॉडी एक भी है आपको, थोड़ा सा डलनेस लग रही है और पेन भी लग रहा है, तो वो उसको भी कवर करती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये एक ऐसी जनरलाइज टॉनिक है जो आपको हर तरह की परेशानी, चाहे वो आपके बोन्स से रिलेटेड हो, आपके ब्लड से रिलेटेड हो, आपके ब्रेन से रिलेटेड हो, डलनेस से रिलेटेड हो, फिजिकली मेंटली हर तरह की डलनेस से, ओवरऑल ये एक ऐसी बनाई गई है डोज जिसको आप हर परेशानी में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या पड़े हैं। तो दोस्तों ये 5 कंपोनेंट्स से मिलके बनी हुई है। यहाँ देखें ये 5 कंपोनेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। जो फॉस्फेट है वो मिलके बना हुआ होता है आपके कैल्शियम से, आयरन से, आप पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इन पांचों जो आपके कंटेंट हैं उसके उसमें फॉस्फेट के साथ ये मिक्स होकर ये बनाता है आपका कैल्केरिया फॉस, आपका फेरम फॉस आयरन के साथ मिल, आयरन के लिए जो चाहिए आपको फेरम फॉस देता है, कैलीफॉस है जो आपके पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम फॉस, साथ ही नेट्रम फॉस फॉर सोडियम जो है इसके लिए देता है। तो ये 5 आपके कंटेंट मिक्स होके आपको आपकी बॉडी के हर पार्ट के लिए हेल्पफुल है, आपके इन डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपको ब्लोटिंग है उसमें भी ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके एज ग्रुप के लिए कि एज ग्रुप के लिए कौन कौन से एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं। दोस्तों छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज के लोग तक हर एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे यंग्स हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज के लोग हों, इन चारों ही एज ग्रुप में ये आराम से मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप आराम से एज ए सप्लीमेंट लॉन्गर टाइम तक के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। 3-4 मंथ्स तक आप यूज़ करें, इसका कोई इशू नहीं आने वाला। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो क्वांटिटी के लिए पहले मैं आपको टैबलेट की साइज़ दिखाती हूँ। आप देखें इतनी बड़ी साइज़ की, अगर आपको बड़ी साइज़ की आप साइज़ देख लें, अगर इतनी बड़ी साइज़ की आपको टैबलेट मिल रही है, मैं एक दूसरी छोटी साइज़ भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स में छोटी साइज़ की भी आती हैं। देखिए ये साइज़ देखिए और ये साइज़ देखिए, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपको इस साइज़ की टैबलेट मिलती है, शॉपी वाले आई थिंक इस साइज़ की टैबलेट्स देते हैं, तो अगर इस साइज़ की टैबलेट मिल रही है, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे मीन्स 5 साल से या आप 10 साल तक के बच्चों को ले, 10 से छोटे बच्चे हैं, तो आप इसको सिर्फ ये वाली टैबलेट अगर बड़ी साइज़ वाली दे रहे हैं तो सुबह और शाम देनी है। अगर इस साइज़ की छोटी वाली साइज़ की आपको अवेलेबल मिलती है तो आप 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं बच्चों को। एक एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम दें, अगर 10 साल से बड़े लगभग 20 साल तक के लोगों को दिया जा सकता है, और ये वाली 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम देना अगर ये साइज़ की मिलती है तो। आते हैं बड़े या बुज़ुर्गों के लिए। अगर ये आप बुज़ुर्ग को या एडल्ट्स को दे रहे हैं तो इसकी 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें, इसकी आप 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें। अब बात करते हैं हम ब्रांड की। ब्रांड में अगर हम बात करें तो दोस्तों जो मैं किसी को पर्सनली ऐसा नहीं रिकमेंड करूंगी, लेकिन हाँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो मैं हमेशा प्रेफरेंस देती हूँ शॉपे, फिर आप बोल सकते हैं रैकवेक और SBL, ये तीनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं। इनकी अगर आपको मेडिसिन मिल रही हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप इनको दें क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस्ड मेडिसिन है, इनके रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं। मैंने और अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं यूज़ की हैं जो इन तीनों ब्रांड्स के अलावा हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो पहला प्रेफरेंस आप इन मेडिसिन को दें, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कोशिश ये करें कि आप सील पैक्ड मेडिसिन लें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आप जो आप मांगते हैं फार्मेसी पे वो अगर आपको वो नहीं दे रहे हैं तो आपके उन मेडिसिन के लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप कोशिश करें सील पैक्ड ही मेडिसिन लें। जब सील पैक्ड रहेंगे तो आपको उसको पहचानने में आसानी होगी कि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाएगा आपको, और ये नहीं होगा कि कोई दूसरी मेडिसिन आप खा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज फाइव फॉस के 6 एक्सपोटेंसी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।